हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ होमवर्क भी दिया था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें इस चैप्टर का, वो है हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो हमने क्या देखा, जैसे कोई भी एक सोर्स होता है तो सोर्स में क्या होता है, पावर सोर्स होना चाहिए लाइट के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स होगा, नॉर्मली हम उसको बैटरी बोलते हैं। उस बैटरी से करंट फ्लो होती है, किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा दिया तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब ये जो सोर्स है ये बैटरी है, तो यहां से हमें एनर्जी का सोर्स मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स मिल रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आ कहां से रही है, तो उसको मैंने पहले भी बताया था लेक्चर में। तो ये क्या होता है, सेल होता है, सेल के अंदर ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड, एक होता है कैथोड। ठीक है, एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव, और इनमें केमिकल रिएक्शन होती है। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल, इस पर नेगेटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और फिर जब इसको हम किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा। तो यहां पर ये केमिकल एनर्जी होती है इसके अंदर, वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होती है इसके अंदर। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती कहां है, तो यहां पर इसके अंदर फ्लो हुई है वो कहां पर जा रही है, जैसे हम फैन चल रहा है तो फैन के अंदर क्या होता है, तो इस एनर्जी का कुछ पोर्शन उसमें रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस एनर्जी का कुछ पोर्शन लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जैसे फ्रिज यूज में लेते हैं, तो फ्रिज में क्या होता है, उसकी कूलिंग के काम में आता है, तो कूलिंग में जो वर्क डन होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है इस एनर्जी का कुछ पोर्शन। तो अलग अलग जगह इस इलेक्ट्रिसिटी के एनर्जी का पोर्शन कन्वर्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, तो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, जब करंट फ्लो होती है तो गर्म हो जाता है वो। ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन है, उसमें करंट फ्लो होती है तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली हीटिंग इफेक्ट। तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो हर जगह होता है, जैसे फैन चल रहा है, बहुत देर तक चल रहा है तो उसको तुम टच करोगे तुम्हें गर्म लगेगा वो। इलेक्ट्रिक बल्ब है, जल रहा है काफी टाइम से, उसको टच करोगे गर्म लगेगा। ट्यूबलाइट चल रही है काफी टाइम से, टच करोगे गर्म लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सोर्स हो उसमें हमेशा उसका जो जो करंट फ्लो हुई, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो हुई, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर जितने भी सर्किट हम बनाएंगे सभी में इलेक्ट्रिसिटी, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट होता है। तो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस लिया, इसके अलावा कुछ नहीं लिया, सिर्फ रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंप्लीट, पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरी की पूरी वो किसमें कन्वर्ट होगी, वो हीटिंग एनर्जी में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी एनर्जी। क्योंकि यहां पर कुछ हो ही नहीं रहा, ना तो रोटेशन हो रहा है, ना ये जल रहा है तो इसमें लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ना कुछ कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो यहां पर जो पूरा इसका जो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो किसमें कन्वर्ट होगा, वो हीट में कन्वर्ट होगा। कब, जब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होगा। तो जब सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होगा तब इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट मतलब जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगाओ, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द सर्किट इज कन्वर्टेड इंटू हीट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द रेजिस्टर। इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो रेजिस्टिव सर्किट सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ, इसमें करंट फ्लो रहा है, करंट फ्लो रहा है, तो जो सर्किट की पूरी एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा। तो एक सिंपल सा सर्किट कंसिडर कर लेते हैं, सिंपल सा सर्किट मतलब ये ऐसे, ये बैटरी है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और इससे इसमें करंट फ्लो रहा है I। ठीक है, R रेजिस्टेंस है, ये करंट फ्लो रहा है। ठीक है, तो लेट करंट I फ्लोज इन द सर्किट, फ्लोज इन द रजिस्टर, रेजिस्टर आर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर कैपिटल बी, देन ऐसा लिख सकते हैं हम बी इक्वल्स टू आई इंटू आर, बी पोटेंशियल डिफरेंस है, आर रेजिस्टेंस है, आई करंट है, और लेट क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज फॉर टाइम टी, टी टाइम के लिए क्यू चार्ज फ्लो रहा है इस सर्किट में, करंट फ्लो रहा है मतलब क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो रहा है कितने टाइम तक, टी टाइम तक, तो आई और टी में भी रिलेशन लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी और क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। अब चार्ज फ्लो रहा मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो हो रही है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होगी तो यहां पर क्या होता है, बैटरी कुछ ना कुछ वर्क करती है, इस चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ता है, बैटरी को वर्क करना पड़ता है, तो उस वर्क डन को लिख सकते हैं, वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन लिखा था हमने, इसे लिखते हैं वर्क डन बाय बैटरी employing charge q by potential difference v, v potential difference से charge q flow कर रहा है, तो जो work done होगा तो work done और potential difference relation लिखा था, w equals q into v, ध्यान होगा potential difference को define किया था मैं, potential difference equals to work done upon charge, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वर्क डन हो गया। अभी वर्क डन जितना बैटरी जितना वर्क कर रही है वो वर्क किसमें कन्वर्ट होगा, एनर्जी में, मतलब इतना वर्क कर रही है मतलब इतना एनर्जी सप्लाई कर रही है सिस्टम। ठीक, तो इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ सर्किट, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी सर्किट की वर्क डन के इक्वल क्यू इंटू वी, सो और क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू को लिख सकते हैं आई इंटू टी, अभी लिखा है तो उसको लिख देंगे वी आई टी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी। ये क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी वी आई टी, तो इतनी एनर्जी सप्लाई कर रही है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई रहा है इसमें इस सर्किट के अंदर, और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक एनर्जी जब रेजिस्टेंस से पास होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, हीट में, ये जो एनर्जी इससे पास होगा, इससे पास होगा तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी इसी के इक्वल होगी, हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट is equal to electric energy supply
बाय द बैटरी इन द सर्किट। तो जितनी एनर्जी बैटरी सप्लाई करेगी प्योर रेजिस्टर में, पूरी पूरी किसमें कन्वर्ट होगी? हीट में, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी। यही फॉर्मूला हम हीट के लिए भी यूज में ले सकते हैं। तो हीट एनर्जी एच इक्वल्स टू हम लिख देंगे वी आई टी फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं? वी इक्वल्स टू आई इंटू आर इस सर्किट के लिए। देखो यहां पे वी की वैल्यू आई आर पुट कर दो, एच इक्वल्स टू आई आर इंटू आई टी, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा हीट का फाइनली। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, क्या एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये हीट का फॉर्मूला होगा। हीट जो डिसिपेट होगी, ये सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हुई है, आई करंट फ्लो है आर रेजिस्टेंस में, तो टी टाइम में कितना हीट डिसिपेट होगा? आई स्क्वायर आर टी। ज्यादा करंट फ्लो होगा, हीट ज्यादा डिसिपेट होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट ज्यादा डिसिपेट होगा, ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो होगा, ज्यादा हीट डिसिपेट होगा। तो जैसे जो कंडक्टर्स होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, जिनकी आर की वैल्यू ज्यादा होती है, उनमें हीट ज्यादा डिसिपेट होती है, ठीक है। तो जैसे जितने भी हमारे हीटिंग एलिमेंट होते हैं, हीटिंग एलिमेंट जैसे हम इलेक्ट्रिक आयरन में लगाते हैं, जो बटन स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो गर्म हो जाती है, फिर गर्म होने के बाद हम आयरन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, हीटर हो गया, इन सब में क्या होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है उनके रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो जितने भी कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स में मेटल्स के रेजिस्टेंस कम होते हैं, और एलॉयज जो होते हैं उनके रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जैसे एग्जांपल भी दिया था मैंने, जैसे नाइक्रोम, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जहां पर भी हीटिंग एलिमेंट होगा, कॉइल, हीटिंग कॉइल, उसमें हम किसका यूज में लेंगे? नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम का यूज में लेंगे तो वहां पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो जैसे हीटर की कॉइल होती है, उसमें इसी का यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम एक नाम भी देते हैं, इसको एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को, इट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। इसी के अंदर तीन स्टेटमेंट बना सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब एच जो है वो करंट आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। कब होगा ये? व्हेन इन अ गिवन कंडक्टर, गिवन कंडक्टर मतलब आर की वैल्यू फिक्स है, और गिवन टाइम करंट फ्लोज in it, then heat dissipated is proportional to square of electric current. मतलब गिवन कंडक्टर मतलब आर कांस्टेंट है, गिवन टाइम मतलब टाइम भी कांस्टेंट है, मतलब जब ये दोनों कांस्टेंट होंगे, ये दोनों फिक्स है, मतलब जैसे ये एक वायर लिया, इसका रेजिस्टेंस आर है, टाइम फिक्स कर दिया हमने, जैसे आर की वैल्यू फिक्स कर दी 10 ओम, टाइम फिक्स कर दिया 10 मिनट्स। अब अलग अलग करंट फ्लो कर रहे हैं, पहले करंट फ्लो किया हमने 2 एम्पियर, फिर करंट फ्लो किया 3 एम्पियर, फिर करंट फ्लो किया 4 एम्पियर। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, पहले हीट सपोज 10 जूल प्रोड्यूस हो रही थी जब 2 था, तो 2 से जब मैंने इसको 3 किया तो सीधा ये क्या हो जाएगा, हाँ सब 1 से स्टार्ट करते, पहले 1 था तो 10, फिर जब 2 एम्पियर किया था, 2 एम्पियर किया तो हीट जस्ट 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि यह एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। करंट को अगर डबल करेंगे, इसको 2 टाइम्स रखूंगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा, तो हीट 40 जूल हो जाएगा। 1 एम्पियर तो 10 जूल, 2 एम्पियर तो 40 जूल,
और जब इसको 3 एम्पियर कर देंगे तो ये 90 जूल, जब 4 एम्पियर कर देंगे तो ये 160 जूल, ऐसे हीट डिसिपेंड हो रही है वो इंक्रीज होती जाएगी एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ऐसा डिपेंड करेगी। एक तो ये हो जाएगा एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, सेकंड क्या होगा, एच प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब हीट जो डिसिपेट होगी वो आर की प्रोपोर्शनल होगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, व्हेन अ गिवन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फिक्स है, फ्लोज इन अ रजिस्टर फॉर गिवन टाइम, then heat dissipated, is proportional to R resistance। I के वैल्यू फिक्स है, T के वैल्यू फिक्स है, ठीक है, रेजिस्टेंस अलग अलग कर रहे हैं, पहले 10 ओम है तो हीट का वैल्यू कम आएगा, फिर 10 से 20 कर दिया तो हीट जस्ट डबल हो जाएगा, 40 कर दिया तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ऐसे एच प्रोपोर्शनल टू आर मिलेगा हमें, ठीक। और थर्ड हो जाएगा इसमें तो बी हो गया, और सी हो जाएगा फाइनली एच प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब हीट जो है टाइम के भी प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा देर तक हम करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे हीटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सर्दी में हम कभी कभी हीटर चलाते हैं, हीटर में क्या होता है, जितनी देर तक हीटर चलाएंगे, जितना देर तक हीटर चलाएंगे उतना देर तक गर्म जो रूम है उतना ज्यादा गर्म होता जाएगा, उतना ज्यादा हीट उससे बाहर निकलेगा। तो एच प्रोपोर्शनल टू टी, ज्यादा टाइम तक यूज में ले रहे हैं तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसमें ले सकते हैं मैं ना गिवन करंट टी में एच प्रोपोर्शनल टी फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ गिवन रेजिस्टेंस फॉर टाइम टी, देन हीट प्रोड्यूस्ड, यही डिसिपेटेड एच इज प्रोपोर्शनल टू टी, एच टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, एच टी के भी प्रोपोर्शनल होती है, आर के प्रोपोर्शनल होती है, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर भी होता है। तो ये सब हम इसमें लिख सकते हैं, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तीन पार्ट हम इसमें लिख सकते हैं इसके। अब देखो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होती है, तो नॉर्मली जो हीट प्रोड्यूस होती है कहीं पर भी, जैसे फैन के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, पंखा गर्म हो गया तो गर्म से हमें कुछ काम ही नहीं है, बल्ब जल रहा है बल्ब गर्म हो गया उससे हमारे कुछ काम ही नहीं, ट्यूबलाइट जल रही गर्म हो गई, ठीक है, हम मिक्सर ग्राइंडर यूज में ले रहे हैं काफी टाइम भी चला रहे हैं वो गर्म हो गया, तो हीट जो है वो अनडिजायरेबल है, उसका कोई यूज नहीं है। पर किसी किसी जगह हीट यूज में भी आती है, तो इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये तुम्हें याद आ रहा हो कहां कहां पे काम में आता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन में काम में लेते हैं, ठीक है, स्विच ऑन किया वो प्लेट गर्म हो जाती है कॉइल से, और फिर इसको हम आयरन करते हैं तो जो हमारे कपड़े हैं वो अच्छे से सुंदर दिखते हैं, बढ़िया दिखते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, और इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर इलेक्ट्रिक हीटर यूज में लेते हैं रूम को गर्म करने के लिए। एक हो जाएगा इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ओवन, तो यहां पर सब जगह हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो हमारे काम में आ रही है हीट। इसके अलावा एक और यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप के अंदर यूज में लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक लैंप में एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा जो बल्ब होता है इनकैंडेसेंट बल्ब जो होता है हमारा येलो कलर वाला, है ना, एलईडी की बात नहीं कर रहा हूं,
येलो कलर वाला जो बल्ब होता है जिससे येलो लाइट निकलती है, उसमें ऐसे फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है। जब इसमें हम करंट फ्लो करते हैं, करंट करके बैटरी से लगाया तो इसके अंदर करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, क्या होता है बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो फिलामेंट होता है इसका टेम्परेचर क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अराउंड ये 3000 केल्विन तक हो जाता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है इसका टेम्परेचर, इसका इस फिलामेंट का, और ये फिलामेंट बना होता है किसका, टंगस्टन का, टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। तो इलेक्ट्रिक लैंप जो होता है इसके अंदर जो फिलामेंट होता है इसमें जब करंट फ्लो होता है तो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ता है कि ये इतना गर्म होता है कि लाइट इमिट करने लगता है, जिसे हमने देखा है जैसे हम लोहे को गर्म कर रहे हैं, टीवी में देखा होगा, तो लोहे को गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है तो धीरे धीरे उससे लाइट इमिट होने लगती है, वो थोड़ा रेड कलर का दिखता है, ज्यादा गर्म करते हैं तो ब्राइट रेड दिखता है, तो क्या होता है उससे लाइट इमिट होती है। ऐसा यहां पर भी होता है, यहां पर जिसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि क्या करने लगता है, लाइट इमिट करने लगता है, और उस लाइट से हम सब जगह लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। होता क्या एक्चुअल में, यहां पर सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू लाइट, सिर्फ 10% एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है, एंड 90% ऑफ एनर्जी is converted into heat, इसके अंदर 90% हीट में कन्वर्ट होते हैं, और हीट का काम नहीं क्योंकि बल्ब के अंदर हमें रोटियां तो बनानी नहीं है, जैसे ओवन में बनाते हैं रोटी, आयरन करनी नहीं है बल्ब से, ठीक है, उससे लाइट इमिट होनी चाहिए, पर वो क्या कर रहा है सिर्फ 10% ही कर रहा है, 90% तो बेकार जा रही है, 90% कुछ काम ही नहीं आ रही हमारे। तो ये इसमें किसमें होता है, इनकैंडिसेंट बल्ब में होता है, फिलामेंट जो होता है इसका वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। क्यों बनाते हैं टंगस्टन से, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, टंगस्टन का क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतने टेम्परेचर तक ये मेल्ट नहीं होता, और अराउंड 2000-3000 तक टेम्परेचर यहां पर पहुंच जाता है इसके अंदर, किसके अंदर, बल्ब के अंदर, सिर्फ 10% ही लाइट में कन्वर्ट होता है, बाकी 90% हीट में जाता है, जो हमारे कुछ भी काम नहीं आता इलेक्ट्रिक लैंप में, ठीक है। हम येलो कलर वाले की बात कर रहे हैं, एलईडी की बात नहीं कर रहे, जो एलईडी आजकल हमारे घरों में लगा होता है, या फिर जो हम कॉम्पैक्ट ट्यूबलाइट जो लगाते हैं, मतलब CFL फ्लोरोसेंट लैंप, वो भी, और इसके अंदर इनएक्टिव गैसेस होती है, इनएक्टिव गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये सब गैसें होती है किसके अंदर, बल्ब के अंदर। तो वो क्या करती है, जब ये गर्म होता है तो गैसेस से रिएक्शन नहीं करता, तो ये खराब नहीं होता जल्दी, अगर गैसेस होती, रिएक्टिव गैसेस होती तो क्या करती, इसके मेटल से रिएक्ट करती और धीरे धीरे उसको छोटा कर दी जाती, पतला कर दी जाती, टूट जाता जल्दी और ये जल्दी खराब हो जाता बल्ब। देखा हो तुमने बल्ब, जैसे ये येलो वाले बल्ब क्या हो जाते थे पहले, फ्यूज हो जाते, फ्यूज मतलब ये फिलामेंट टूट जाता था बीच में से, और फिलामेंट टूट गया तो बल्ब खराब, अब कुछ काम का ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर इनएक्टिव गैसेस डाल देते हैं थोड़ी बहुत इस जगह पर। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये मेल्ट नहीं होता, खराब नहीं होता, इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। यहाँ पे इनएक्टिव गैसेस होती है जो इससे रिएक्ट नहीं करती और ये जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। सिर्फ 10% ही लाइट में कन्वर्ट होता है, 90% बेकार चला जाता है, ठीक है। तो जैसे 100 वाट का बल्ब भी जला रहे हैं हम, तो जो हमारी नॉर्मल ट्यूबलाइट होती है, 40 वाट की जो ट्यूबलाइट होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात कर रहा हूं मैं, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब से भी कम उजाला देता है ये, क्यों, क्योंकि ज्यादातर तो वेस्ट जा रहा है, थोड़ा सा ही काम में आ रहा है। और आजकल जो एलईडी बल्ब जो चल रहे हैं हमारे, एलईडी वाले बल्ब है,
उसमें अराउंड 60-70% तक इसमें कन्वर्ट होता है, लाइट में कन्वर्ट होता है। तो 20 वॉट का भी अगर एलईडी बल्ब है तो बहुत ज्यादा उससे लाइट मिलेगी हमें, 20 वॉट तक भी लाइट एनर्जी में ज्यादा कन्वर्ट हो, यहाँ सिर्फ 10% कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ 60-70% कन्वर्ट हो, तो ये ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इससे हमारे बिजली का जो यूज है वो बहुत कम होगा, लाइट का यूज बहुत कम होगा और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आएगा वो भी बहुत कम आएगा। इसलिए ज्यादातर जितने भी इनकैंडिसेंट येलो वाले बल्ब थे वो सब आपको यूज में नहीं लेता, सब एलईडी वाले बल्ब यूज में रहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाएगी। इसके अलावा एक और है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या है वो है हमारी इलेक्ट्रिक फ्यूज। नाम सुना होगा फ्यूज। ठीक है, तो क्या होता है फ्यूज, एक वायर होता है जिसको हम सर्किट के अंदर लगाते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है फ्यूज का वो हम ऐसे बना देते हैं। ये फ्यूज का सिंबल होता है। काम क्या होता है, इसको हम किसी भी सर्किट के अंदर लगाते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर हमने एक फ्यूज लगा दिया, ये बैटरी लगा दी इस तरह से। तो फ्यूज क्या करता है, कभी कभी ये जो बैटरी मान लो ज्यादा पावर की, ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगा दी, तो ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाएंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। अब ये बल्ब क्या हो सकता है, ज्यादा करंट में ये फ्यूज हो सकता है खराब, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा ये खराब हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। या फिर इसकी जगह तुमने टीवी लगा रखी, टीवी चला रहे हो, फैन लगा रखे, ट्यूबलाइट कुछ भी लगा रखे, तो ज्यादा करंट फ्लो होने पर वो इक्विपमेंट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, जल सकता है। उसके लिए क्या यूज में लेते हैं, इसको हम फ्यूज वायर यूज में लेते हैं। फ्यूज वायर क्या होता है, इट इज मेड ऑफ मेटल और एलॉयज। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम का बना सकते हैं, कॉपर एंड टिन एलॉय इनका बना सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें स्पेशलिटी क्या क्या होती है, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, क्या होना चाहिए इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा, जैसे एक स्टैंडर्ड फिक्स अमाउंट ऑफ हीट से जैसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जैसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर सर्किट में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जैसे मान लो इसमें मैक्सिमम अलाउेबल करंट है सपोज 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ज्यादा करंट अगर टीवी के अंदर आती है तो टीवी क्या हो सकती है हमारी, खराब हो सकती है, 30,000-40,000 रुपए पानी में जा सकते हैं, खराब हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं हम 5-10 रुपए का वायर लगा देते हैं यहां पर। ठीक है, 50-60,000 रुपए को बचाने के लिए क्या करेंगे हम, 5-10 रुपए का एक वायर लगा देंगे। जैसे 5 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं होना चाहिए इसके अंदर फ्लो, तो अगर 5 एम्पियर से जैसे ज्यादा करंट आता है यहां से तो ये करता है, ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और टीवी खराब होने से बच जाती है। सिर्फ थोड़ा सा नुकसान होगा हमारा 5 रुपए का, हम इस वायर को दोबारा लगा लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट से जैसे ज्यादा फ्लो होगी ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर सर्किट बच जाएगा हमारा। तो यहां पर हमारा क्या काम में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज काम में आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, व्हेन अ करंट हायर देन सर्टेन रेंज, सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट होती है फ्यूज वायर की। जैसे कोई फ्यूज वायर थोड़ा पतला होगा 5 एम्पियर, थोड़ा ज्यादा मोटा होगा 10 एम्पियर, और मोटा होगा 20 एम्पियर, मतलब 20 एम्पियर वाला 20 एम्पियर से कम करंट फ्लो होगा तब तो ठीक है, 20 एम्पियर से जैसे ज्यादा करंट फ्लो होगा मेल्ट हो जाएगा। तो लिमिट होती है सबकी, तो एक
when a current higher than a certain range flows in fuse wire, then it it melts there and breaks the circuit. सर्किट को क्या करते हैं, ब्रेक कर देगा सर्किट को। जब ब्रेक करेगा करंट फ्लो नहीं होगा और जो भी हमारे महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है वो खराब होने से क्या होंगे, बच जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज ये करता है, ठीक है। तो इसको हम एज अ सेफ्टी एलिमेंट बोल सकते हैं। फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी एलिमेंट है। सेफ्टी के लिए यूज मिलेंगे, प्रोटेक्शन के लिए यूज मिलेंगे, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, वो प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज को, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेटल से अलॉयज को बनाते हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, ठीक है। और एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो जलने से बच जाएंगे, खराब होने से बच जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी हम यूज में लेते हैं हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ही है, करंट फ्लो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है और गर्म होके वो ब्रेक हो रहा है। तो एक ये यूज यहां पर आ गया हमारा, तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज को भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर हमने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रेट ऑफ वर्क डन, वर्क डन की जो रेट होगी उसको बोलेंगे हम पावर, या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी उसको भी क्या बोलेंगे हम पावर बोलेंगे। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, पावर को हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रेट से कंज्यूम कर रहा है। ज्यादा रेट से कंज्यूम कर रहा है तो इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा है, कम रेट से कंज्यूम कर रहा है तो पावर कम है। जैसे सिंपल फैन है हमारा, या छोटा इलेक्ट्रिक एलईडी है, तो उसकी पावर कम होती है, मतलब वो लेस एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, एसी चला रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ज्यादा रेट से एनर्जी कंज्यूम करेगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा। तो एक बल्ब जलाओ 24 घंटे, एसी चलाओ 24 घंटे, तो कहां पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा, यहां पर। क्यों, क्योंकि ज्यादा रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो उसके ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे तुम्हें। तो ये इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे डिफाइन कर देंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। सिंपल क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगी हमारी क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, रेट मतलब टाइम से डिवाइड कर देंगे। पीपी इक्वल्स टू, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था हमने BIT divided by T, T equals to BI, थोड़ी देर पहले लिखा था, तो सर्किट है इस तरह से, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, रेजिस्टेंस R, करंट फ्लो ये I, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आई थी हमारी BIT, तो उसको T से डिवाइड कर देंगे तो P equals to क्या हो जाएगा BI, तो ये फॉर्मूला हो गया P equals to BI। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है और आई क्या है करंट। अब देखो इसको कैसे कैसे काम में लेंगे, दो तीन फॉर्मूला लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर का और उसको कैसे कैसे काम में लेंगे उसको हम समझाते हैं यहां पर। जैसे मान लो सिंपल पी इक्वल्स टू बी आई लिखा हुआ है, तो ये बैटरी यहां देखो ध्यान से, और इस बैटरी से कितना करंट फ्लो रहा है, आई करंट फ्लो रहा है, बैटरी से कितना करंट फ्लो रहा है आई, तो बैटरी आई करंट फ्लो रही है, तो बैटरी की पावर,
बैटरी कितना इनपुट दे रही है, सर्किट में कितना एनर्जी दे रही है, तो इनपुट पावर बैटरी का इनपुट पावर हो जाएगा ये फॉर्मूला, इनपुट पावर ऑफ सोर्स, बैटरी को हम सोर्स बोल सकते हैं जिससे मिल रहा है एनर्जी। अब देखो सिंस वी इक्वल्स क्या होता है आई आर, तो यहां पे वी की जगह हम आई आर पुट कर सकते हैं ओम्स लॉ से, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला ये हो गया, ये फर्स्ट ये सेकंड। इसको कहां पे काम में लेंगे, ठीक है ये करंट है इसके अंदर आई करंट, आर रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें कितना हीट डिसिपेट हो रहा है, कितना रेट से हीट डिसिपेट हो रहा है, उस रेट को हम क्या बोलेंगे आई स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा पावर डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, कितना पावर डिसिपेट हो रहा है बेकार जा रहा है, हीट के फॉर्म में उड़ रहा है सर, निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो और इसके अलावा एक और ले सकते हैं क्या, P इक्वल्स टू देखो ये वी आई है और ये V इक्वल्स टू आई आर है, तो I का फॉर्मूला लिख सकते हैं V अपॉन R, यहां से V अपॉन R और यहां पे पुट कर दो V और I की जगह V अपॉन R लिखूंगा, I की क्या लिखूंगा V अपॉन R, तो V इंटू V V स्क्वायर बाय R, तो P का फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो एक P equals to VI हो गया, एक P equals to I square R हो गया, और एक P equals to V square by R, तीन फॉर्मूला मिल गया मुझे, ठीक है। इसको कहां पर यूज में लेंगे, इसको यूज में लेते हैं हम रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, रेजिस्टेंस का यहां से फॉर्मूला बन जाएगा क्या, P equals to V square by R, नीचे लिख लेते हैं यहीं पर ही सब नहीं लिख रहे, V square by P, और इससे हम किसी भी इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यहां पर V क्या होगा, V जो है वो रेटेड वोल्टेज है, अभी समझाते हैं क्या होता है ये रेटेड वोल्टेज, और P जो है ये रेटेड पावर है, V है रेटेड वोल्टेज और P है रेटेड पावर। अब ये रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर क्या होगा इसको भी देखते हैं, तो देखो जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब लेने गए, ठीक है इलेक्ट्रिक बल्ब लेने गए, जैसे बोलते हैं 10 वॉट का बल्ब दे दो एलईडी, या 20 वॉट की एलईडी दे दो, या फिर 60 वॉट का बल्ब दे दो, या 100 वॉट का बल्ब दे दो, ऐसा बोलते हैं वहां पर शॉप पर जाकर, एक पर्टिकुलर रेंज बोलते हैं, जैसे घर पे भी बोलते हैं हमारे पेरेंट्स जो है बोलते हैं कि इतने वॉट का बल्ब लिया, तो वहां जाके हम दुकान पे जाके ऐसे बोलते इतने वॉट का बल्ब दे दो, उस बल्ब को ध्यान से देखोगे तो वहां पर उसके अंदर रेटिंग लिखी होती है, मतलब पावर लिखी होती है उसकी 60 वॉट, 60 वॉट लिखी होती है पावर 60 वॉट, और साथ में वोल्टेज भी लिखा होता है कितने वोल्टेज वर्क कर रहा है 220 वोल्ट। तो नॉर्मली हमारा हाउस होल्ड होता है घरों में जो वोल्टेज आता है वो आता है हमारा 220 वोल्ट आता है, इंडिया में सभी जगह घरों में कितना वोल्ट आता है 220 वोल्ट इतना घर में आता है। तो ये बल्ब है, ठीक मान लो ये इनकैंडिसेंट बल्ब है हमारा येलो वाला, जिससे येलो लाइट निकलती है, फिलामेंट हो गया उसका 60 वोल्ट का है, 220 वोल्ट उसकी रेटिंग है, तो मैं ये जो फिलामेंट है इसका रेजिस्टेंस बता सकता हूं कैसे, ये फॉर्मूला R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय P, V का वैल्यू 220 इंटू 220 डिवाइड बाय P का वैल्यू 60, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो जो भी सॉल्व करने का आंसर आएगा 4840 डिवाइड बाय 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी हमारे पास, तो उससे हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। मान लो 100 वाट का बल्ब है, वोल्टेज 220 है, तो क्या आ जाएगा पी को हम 100 रख देंगे, ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो ये 484 के आसपास आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा हमारा, किसकी इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक हीटर दिया हुआ है हमें, या इलेक्ट्रिक आयरन दिया हुआ है, उसकी वोल्टेज दिया हुआ है, उसकी पावर दी हुई है, तो क्या फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, मतलब जब ये बना है तो इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है इतना है। ये रेटिंग है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है,
चलो इसको आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अभी तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद ऐसा यूनिट लिख लेते हैं, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर हमें पता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और ये होता है 1 joule upon second। इसके अलावा अदर यूनिट्स में हो जाएगा जैसे 1 kilowatt, किलो मतलब 1000 होता है, 1 megawatt जैसे हमारी इंडस्ट्रीज जो होती है जहां पर पावर बनती, इलेक्ट्रिक पावर बनती है, पावर प्लांट, तो वहां पर मेगावाट में पावर बताते हैं प्लांट की कितनी कैपेसिटी है मेगावाट, तो मेगा मतलब होता है 10^6। इसके अलावा एक होता है हॉर्स पावर, तो ये तो पता होगा तुम्हें, 1 horsepower, शॉर्ट में HP, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही हॉर्स पावर है, तो ये होता है अप्रोक्स 746 watt। तो ये सब तुम्हें पता होगा। और एक होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, क्या होती है हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखो पावर इक्वल्स टू है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, तो यूनिट लिखना है एनर्जी का, तो मैं एनर्जी का यूनिट लिखूंगा पावर की यूनिट से और टाइम की यूनिट से, तो पावर की यूनिट यहां पर यूज में ले रहे हैं हम किलोवाट, क्या यूज में ले रहे हैं किलोवाट, ठीक है, और टाइम की यूनिट ले रहे हैं आर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आर, क्या होती है किलोवाट आर होता है, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं KWH। और देखो 1 kilowatt hour इसमें कितना जूल में कन्वर्ट करते हैं, जूल एक्चुअल यूनिट है हमारी एनर्जी की, एनर्जी की एक्चुअल ऐसा यूनिट क्या है जूल है, 1 kilowatt hour कमर्शियल यूनिट है, ठीक है, इसमें कितना जूल होगा उसको भी फाइंड कर सकते हैं। देखो किलो मतलब 10^6 सॉरी 3000 लिख लेते हैं, वॉट मतलब होता है 1 joule upon second, ठीक, और आर मतलब कितना होता है 3600 सेकंड, सेकंड कैंसिल 3600 और ये था, तो ये इसको मैं ऐसे लिख देंगे 3.6, यहां पर डेसिमल लगा रहा हूं, 10^3 तो यहां हो जाएगा 3 यहां से, तो टोटल 6 joule। तो 1 kilowatt hour जो होता है ये इतना जूल होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 1 kilowatt hour में कितना जूल होता है इतना। अब देखो कमर्शियल यूनिट क्यों बोला, कमर्शियल यूनिट इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे घरों पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो पावर कंजप्शन लिखा होता है वो इसी में लिखा होता है, जैसे घरों में बोलते हैं क्योंकि इस बार तो 200 यूनिट आया है, ठीक है, कभी बोल दिया 500 यूनिट आया है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, इतना यूनिट हमने कंजप्शन किया है, ठीक है, तो यूनिट मतलब यहां पे यूनिट क्या है, यूनिट मतलब ये किलोवाट आवर है, मतलब हमने पूरे महीने में इतना किलोवाट आवर कंज्यूम किया है या 200 किलोवाट आवर कंज्यूम किया है, तो इतना एनर्जी हमने क्या किया कंज्यूम किया है, तो ये क्या है एनर्जी की यूनिट है, ठीक है, तो किलोवाट आवर तो हम क्या बोलते हैं सिंपल यूनिट भी बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में हमारी, इतना यूनिट मतलब वो एक्चुअल में यूनिट क्या है किलोवाट आवर है, तो जैसे तुमने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो तो 2000 यूनिट कंज्यूम कर ली, तो 2000 मतलब 2000 किलोवाट आवर कंज्यूम कर लिया, तो ये कमर्शियल यूनिट है जो बिल जो आ रहा है हमारा घर में, ठीक है, और हर यूनिट का पैसा होता है, जैसे 1 kilowatt hour का कहीं पर 3 रुपए है, ठीक है, कहीं पर 5 रुपए है, तो मान लो 5 रुपए तुम्हारे घर पे और तुमने कंज्यूम की कितनी 500 किलोवाट आवर तुमने कंज्यूम कर ली एक महीने में, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल तुम्हारा कितना कॉस्ट आ गया इतना, और इसके अलावा उसमें एडिशनल चार्जेस भी होते हैं, कुछ फिक्स चार्जेस भी होते हैं, तो टोटल मिला मिलो के वो आराम 3000 रुपए का बन जाएगा तुम्हारा बिल अगर इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे तो, ठीक है, और फिर लेट बिल जमा कराओगे तो उसका फिर पेनल्टी भी लगती है, तो बिल को टाइम पे भी जमा कराना रहता है,
तो ये कमर्शियल यूनिट हो गई हमारी एनर्जी की। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हमारे। जैसे रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, तो वैसे लिखते हैं एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज रेटिंग्स, रेटिंग्स होगी उसकी 1000 वॉट एंड 220 वोल्ट, इतना वॉट है और इतना वोल्ट है। देन फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस बताना है। तो सिंपल फॉर्मूला R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी, वी का वैल्यू 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 1000, और ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 48.4 ओम। अब मान लो क्वेश्चन में आगे पूछा इफ दिस इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 110 वोल्ट, मतलब एक सोर्स है जो कितना 110 वोल्ट का ही है। देन फाइंड पावर कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। देखो इलेक्ट्रिक आयरन उसकी रेटिंग तो ये 1000 और 220, पर उसको जो सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं वो सोर्स 110 वोल्ट ही है, ठीक है। इस रेटिंग का मतलब क्या है, अगर मैं 220 वोल्ट का सोर्स लगाऊंगा तो वो इतना पावर कंज्यूम करेगा, इतने वोल्ट के सोर्स पे इतना पावर कंज्यूम करेगा, ये फिक्स है। अगर इसकी जगह मैं 110 वोल्ट लगा रहा हूं तो फिर क्या होगा, पावर इतना कंज्यूम ही करेगा, इससे थोड़ा कम करेगा। कितना कम करेगा तो उसको फाइंड कर सकते हैं कोई पावर वाला फॉर्मूला, P इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय आर, बी का वैल्यू कितना हो गया 110 इंटू 110 और इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू 48.4, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा अराउंड 250 वॉट, ठीक है। और चाहो तो तुम अगर ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहो, रेजिस्टेंस निकालना, तो यहां से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, देखो P इक्वल्स टू क्या है, बी स्क्वायर अपॉन आर है। अब मैं जब वोल्टेज 220 की जगह 110 वोल्ट करूंगा तो जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसको चेंज नहीं कर रहे, उसको चेंज नहीं कर रहे, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक आयरन का, वो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब R क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। R कॉन्स्टेंट है, R कॉन्स्टेंट मतलब मैं लिख सकता हूँ पी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यहां से लिख सकते हैं पी टू बाय पी वन इक्वल्स टू वी टू बाय वी वन का स्क्वायर, ठीक है। P2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, P1 है मेरे पास, पहले कितना पावर है 1000 वॉट, ठीक है। अब V2 वोल्टेज कितना यूज में ले रहे हैं, 110 स्टार्टिंग कितना था 220 और इसका स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसको तो P2 आ जाएगा 1000 को इधर ले आएंगे, ये इससे 2 times कैंसिल, ये 1/2 बन जाएगा और 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 250 वोल्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं, कब ये 1000 वोल्ट है 220 वोल्ट, इसका मतलब रेटिंग का मतलब होता है कि इतना वोल्ट जब मैं अप्लाई करूंगा तो इतना पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। पर मैं 220 वोल्ट अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं 110 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूं, 110 वोल्ट अप्लाई करेंगे पावर कंजप्शन कम। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, वोल्टेज को हाफ कर रहा हूं और पी प्रोपोर्शनल टू क्या है वी स्क्वायर, ये हाफ होगा मतलब 1/2 का स्क्वायर होगा, तो 1/2 का स्क्वायर होगा मतलब 1/4 times, तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी 1/4 times हो जाएगी, तो 1000 divided by 4 250, ये डायरेक्टली हो गया, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है,
रेजिस्टेंस कांस्टेंट, वी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, वी को हाफ कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो पावर 1/4 हो जाएगी। पावर 1/4 1000/4 मतलब इतनी ही पावर कंज्यूम करेगी, ठीक है। तो ये 110 वोल्ट जो है ये हम हमने मतलब यूएस वाले यूज में लेते हैं, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स वाले इतना वोल्टेज यूज में लेते हैं घरों में, और हम इतना वोल्टेज यूज में लेते हैं। तो यूएस से अगर तुम कुछ लेके आओगे सामान, अगर उसकी रेटिंग इतनी है, हमारे घर में उसको चलाओगे तो वो फट जाएगा, क्योंकि ये जस्ट डबल वोल्टेज है। ज्यादा वोल्टेज चलाएंगे किसी इक्विपमेंट को तो वो फट जाता है, पर जैसे हमारे मोबाइल वगैरह जो बनते हैं या लैपटॉप वगैरह बनते हैं तो उनमें रेंज होती है अलग अलग, जैसे 110 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट, मतलब इतने वोल्टेज रेटिंग पर यहाँ इतने भी चला सकते, इतने भी चला सकते, और बीच वाले कितने भी वोल्टेज में चला सकते, वो अपने आप पावर एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, और खराब नहीं होता। जैसे मोबाइल के चार्जर पर देखोगे, लैपटॉप के चार्जर पर देखोगे, कुछ टीवी वगैरह जो बनती है, ठीक है, उन पर देखोगे तो वो उनमें रेंज लिखी होती है आजकल जो इक्विपमेंट बनते हैं, और जो पुराने कुछ है उनमें फिक्स होता है वोल्टेज इतना इतना, अगर तुमने ज्यादा वोल्टेज आ गया तो वो खराब हो जाएगा इक्विपमेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ये वाला। दूसरा क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं हम, एन एयर कंडीशनर हैज रेटिंग 2000 वॉट एंड 220 वोल्ट, ठीक है। इट इज यूज्ड 10 आवर्स अ डे, देन फाइंड टोटल एनर्जी कंजप्शन इन किलोवाट आवर इन मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल मंथ में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। तो गर्मी लगने लग गई तो एसी यूज में लेंगे हम, एसी का पावर इतना है, इतने वोल्टेज पे काम कर रहा है, एक दिन में इतने टाइम के लिए चला रहे हैं हम, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, इन मंथ ऑफ अप्रैल में। तो देखो सबसे पहले हम पावर लिख लेते हैं, पावर कितना है उसका 220 मतलब 2 कितने बार 0 वाट, और टोटल टाइम लिख लेते हैं, टोटल टाइम कितना लिया हमने, तो एक दिन में कितने घंटे 10 घंटे। तो अप्रैल के मंथ में कितना दिन होता है, नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल मंथ होते 30 डेज, टोटल कितने आर होंगे हमारे पास 300 आवर्स सिंपल इतना लिख दो, ये टोटल टाइम आ गया, पावर आ गया, ये हो गया टाइम। एनर्जी कंजप्शन लिख देंगे, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, पावर 2000 इनटू 300, तो ये हो जाएगा हमारा 600000, ये आया वॉट इनटू आर में, अभी किलोवाट आर में नहीं आया क्योंकि ये वॉट में लिया है, आर में लिया। इसको किलोवाट आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको किलोवाट आर में कन्वर्ट करेंगे हम 1000 से डिवाइड करके, यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां तक ये वोट और ये आर को मल्टीप्लाई किया, तो वोट और आर को मल्टीप्लाई किया तो वोट इंटू आर मिलेगा। अभी किलोवाट आर में नहीं आया, किलोवाट आर में कैसे आएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, कर दो डिवाइड, तो ये आ गया हमारा 600 किलोवाट आर। इतना हमारा एसी ने एनर्जी कंज्यूम किया। अब मान लो क्वेश्चन में आगे क्या देता है, इफ 1 किलोवाट आर कॉस्ट 5 रुपीज, देन फाइंड टोटल कॉस्ट इन अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ में टोटल कॉस्ट क्या आएगा, तो ये टोटल एनर्जी आ गया, एक का कितना है 5 रुपए,
टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, 5 को 75 कर देंगे 600 से, तो खाली एसी एसी का कितना बिल आ गया हमारा 3,000 रुपये। अप्रैल मंथ में हमने एसी चलाया तो उसका कॉस्ट कितना आ गया, इतना आ गया। अब एसी के अलावा हम फ्रिज भी चला रहे हैं, ट्यूबलाइट भी चला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो उन सबका ऐड करके हमारा सबका बिल आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा एसी चलाओगे तो ज्यादा बिल आएगा, कम एसी चलाओगे तो बिल कम आएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तुम्हें क्या करना है होमवर्क में, होमवर्क में जो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है और जो पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इसके बाद सॉल्ट एग्जाम्पल दिए हैं, वो सॉल्ट एग्जाम्पल करने हैं, और साथ में ग्लूइंग वाले क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने हैं, और वीडियो के लास्ट में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे होमवर्क के लिए। ठीक है, वो भी तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो ये सब होमवर्क रहेगा तुम्हारा, ये चैप्टर जो है तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, लास्ट की एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, और जो अंदर की सॉल्ड एग्जाम्पल है उन क्वेश्चंस को भी सारे कर सकते हो, और जो भी तुम्हारे डाउट आते हैं उन डाउट को तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चंस, और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स है, जो भी आंसर आ रहे हैं वो सब लिखने तुम्हें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।